तकमील के लिए, ईमान के कमाल के लिए एक मर्द अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर का मोहताज है। उसी दर्जे में एक ईमान वाली अपने ईमान के कमाल और तकमील में अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर की मोहताज है। इसलिए क्या इसमें मुतलक आया है कि जो भी बुराई को देखे चाहिए तो वो हाथ से रोके, जबान से रोके या दिल से बुराई को पूरा समझे। इसमें मर्द औरत दोनों को बराबर रखा गया है, मर्द और औरत दोनों को बराबर रखा गया है। जिस तरीके से एक आदमी सारी, एक औरत एक मर्द सारे इबादत करने के बाद अगर हाथ से अमर बिल मारूफ करता है तो वो आला दर्जे का मोमिन अपने इंफरादी अमल की वजह से नहीं है, बल्कि दरिया नहीं मुड़कर हाथ से करने की वजह से आला दर्जे का मोमिन। इसी तरीके से एक औरत पर्दे में और सौ मसलात की पाबंद है, सब कुछ है, लेकिन किसी बुराई को होते हुए घर के अंदर या बाहर देकर हाथ से रोका, इस वजह से ये औरत कमाले ईमान के दर्जे पे पहुंचे, आला दर्जे की मोमिन शुमार होगी। अपने जाति इबादत की वजह से नहीं, अपने पर्दे की वजह से नहीं, बल्कि नई अली मुनकर को हाथ से करने की वजह से। दूसरी औरत है वो सारे अमाल करे लेकिन नई अली मुनकर जबान से करे, तो अब वो दूसरे दर्जे में चली गई। हालांकि इंफरादी अमाल तो उतने की जितना पहली औरत ने किया, लेकिन नई अली मुनकर वो दूसरे दर्जे का इस्तेमाल किया, इसलिए दूसरे दर्जे की ईमान वाली हो। तीसरी औरत ने पहली दो औरतों के बराबर सारे अमाल की इंतरा दी, लेकिन नहीं है मुनकर ना हाथ से किया ना जुबान से किया, बल्कि बुराइयों को होता हुआ देखकर दिल से बेचैनी का इजहार करके अल्लाह से दुआएं मांगी इस इजारे मुनकर के लिए। तो अब ये जो तीसरे दर्जे की ईमान वाली हो, चाहे पहली दो औरतों से ज्यादा अमाल करी हो, ज्यादा इंतरादी मामूलत किए हो, ज्यादा पर्दा नशीन हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद तीसरे दर्जे की मोमिन है। कौन की औरत? जिसने दिल से उस बुराई को बुरा समझा और अल्लाह से दुआओं के जरिए से उसे खत्म करने की कोशिश की। और चौथी एक औरत, उसने पहले दूसरे तीसरे तीनों औरतों से ज्यादा अमाल किए, लेकिन बुराई को होता हुआ दिल से भी बुराई को होता हुआ देखकर उसको दिल से भी बुरा ना समझा और उसे दूर करने के लिए दुआओं के जरिए से कल्बी ताकत ना लगाई, कल्बी ताकत ना लगाई, तो फिर तीनों बहनों से ज्यादा अमल करने के बावजूद ये मोमिन शुमार ही नहीं होगी। पता नहीं इसके बाद ईमान का कितना जरूर है, क्योंकि इसके बाद तो ईमान का कोई दर्जा ही नहीं बताएगा, इसके बाद ईमान का कोई दर्जा नहीं। इसीलिए मौलाना अली फरमाया करते थे, जो मर्द जो औरत दीन के मिटने का गम लिए बगैर दुनिया से जा रहा, बदतरीन मौत मारा, और वो कल क्यामत में रूसिया होगा और अल्लाह के नबी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो सकता। जितनी चाहे अपनी जाती अमाल करके आ जाए, इंफरादी मामला करके आ जाए, लेकिन दीन के मिटने का गम लिए बगैर, जो नबी की सबसे बड़ी महातरीन सुन्नत है, दीन के मिटने का गम उसके अंदर नहीं है, जिसके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया, नबूवत के मिल जाने के बाद, बेटी आज के बाद तेरे बाप को कोई राहत नहीं है। वो बेचैनी तसलसल वाली, बेकरारी तसलसल वाली, उसे लिए बगैर एक और दुनिया से जा रही, बदतरीन मौत मरेगी। और अल्लाह कल क़यामत में रूसिया होगी और अल्लाह के नबी के सामने मुंह दिखाने के काबिल होगी। इस तरह सुन्नतों को छोड़ने वाला कब्र के अंदर नबी के चेहरे को देख करके नबी को नहीं पहचान सकता, किसी तरह सारी सुन्नतों को जिंदा करने वाली अमर बिल मारूफ नहीं अली मुनकर की मेहनत किए बगैर और दीन के मिटने का जो काम नबी की सबसे बड़ी सुन्नत, वो काम के बगैर जो जाएगा वो भी नबी को पहचान नहीं पाएगा। लोगों को अपने सौम सलात की पड़ी हुई, अपनी नमाजों की फिक्र लगी हुई, अपनी जाती इबादत में मगन है, मस्त है और गुरूर है और उस पर कनात है, ये तो उम्मत की बेदीनी पर कनात के बराबर है। पर मैंने साफ लिखा है कि जिस तरह बुराई को करना बुराई, उसी तरीके से उस बुराई को होता हुआ देख करके उसे न रोकना, ये भी यही यही बुराई है। यानी अगर कोई मोहल्ले में एक औरत बेपर्दा है और दूसरी औरत पर्दे वाली है और इसे मालूम है कि इस मोहल्ले में एक औरत एक घर में बिना पर्दे के देख ले या उसके इल्म में आ जाए, देखना शर्त नहीं है, उसके इल्म में आ जाना भी काफी है, उसके बाद अगर उसने उसे रोकने की तीन तरीके से किसी तरीके से भी कोशिश नहीं करी, तो लोगों की नजर में एक गुना और एक गुनेगार, शरीर की नजर में दो गुना दो गुनेगार एक ही वक्त, एक वो जो बिना पर्दे के, दूसरी वो जो पर्दे में बैठी हुई है लेकिन बेपर्दगी को देखकर रोकने की कोशिश नहीं करती, एक बात। दूसरी बात, इन दोनों, वो भी कबीरा गुना ये भी कबीरा गुना,
बेपर्दा होना भी कबीरा गुना, उसे देख करके ना रोकना या उसके इल्म में आ जाने के बाद रोकने की कोशिश तीन तरीके से किसी तरीके से ना करना, ये भी कबीरा गुना है। लेकिन इन दोनों में सख्त गुना और भारी गुना कौन सा है? अल्लाह ने कहा इसको ना रोकना, ये भारी गुना है, सख्त गुना है, भारी गुना है और सख्त गुना। इसका मतलब ये कि अगर एक मोहल्ले में 10 औरतें बेपर्दा और एक औरत पर्दे के साथ, और 10 औरतों की बेपर्दगी को देख लिया या बेपर्दगी का इसे इल्म हासिल और उन 10 औरतों के बारे में इसने फिक्र नहीं करी और बेचैनी का इजहार नहीं किया, तो फिर ये 10 की 10 औरतें एक एक कबीरा गुना करने वाली शुमार होगी, और ये औरत 10 गुना ज्यादा कबीरा गुना करने वाली शुमार होगी। आयशा को नहीं रोका तो इसका गुना मुस्तकिल आया, फातिमा को नहीं रोका इसका गुना इसको मुस्तकिल मिलेगा, कुलसूम को नहीं रोका इसका गुना इस औरत को मुस्तकिल मिलेगा, 10 दर्जे में इसने बड़े गुना किए, वो सब एक 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 दर्जे में गुनेगार होगी, और इसने बोया 10 कबीरा गुना किए, जिसको भी बेपर्दगी के बारे में, जिसके बारे में भी बेपर्दगी का इल्म हुआ या जिसको भी बेपर्दगी का आलम देखा और उसे नहीं रोका तो मुस्तकिल इसने कबीरा गुना कर रखा, एहसास नहीं सब चीजों। 10 खवातीन की बेपर्दगी की वजह से, 10 खवातीन की बेपर्दगी की वजह से गुना अल्लाह का आजाब देर से आएगा, और उन 10 खवातीन को बेपर्दगी में होता हुआ देखकर ना रोकने की वजह से आजाब कल की वजह आज ही आएगा। रहमानी पाने का मतलब ये नहीं है कि एक औरत पर्दे में है लेकिन मगरूब हो गई, और ये 10 औरतें बेपर्दगी के खबासत लाने, खबासत में खबासत का गलबा होता ही उस वक्त जब नहीं है तो छोड़ा जाता है, खबासत की तकमील होती है उन नेक लोगों की वजह से, वो अपनी नेकियों पर मगन रहते हैं और बुराइयों को देखकर रोकने की कोशिश करते हैं। खबासत की तकमील कब होती है और खबासत में गलबा कब आता है? जब नहीं है तो छोड़ देते। अपनी अमली जिंदगी से मर्द और औरत दोनों तबकों को अमर बिल मारूफ नहीं मिलकर के इस फरीजे में बराबर लाकर खड़ा किया, जितने भी दावत और दावत की जितने तकाजे और अमर बिल मारूफ नहीं मिलकर की जितनी अमली मश्क और अमली शक्लें नजर आवेगी, हिजरत है, नुसरत है, जिहाद है, जान लगानी, मान लगाना, ठिकाना देना, सब के अंदर आप देखेंगे साथ में औरतें मर्दों से एक इंच भी पीछे नजर नहीं आवे, एक इंच ही। ये तो इस जमाने के तबलीग वालों की कमी होता ही, जो औरतों को अभी तक तीसरे दर्जे में रखे हुए और डराते रहते हैं कि मसूरात का काम बड़ा हसास, मसूरात का काम बड़ा नाजुक, या मसूरात के काम की इतनी क्या जरूरत, या बार बार मसूरात में निकलने की वजह से बिगाड़ पैदा हो रहा, ऐसे जुमले चला चला कर पूरी उम्र में बिगाड़ पैदा कर रहा। आज की हमारी अपनी कमजोरी और बेअकली और तजर्बे की बुनियाद है कि हम एक साथी अगर सर्दी पर कायम रहते हुए तहाजे पर मुस्कुरात में निकलने पर आ जाए, सारे मिलकर रेडी छोटी का दौर लगाकर जोर होने की कोशिश करते हैं, आज के जमाने की कमजोरी। वो कह रहे हैं साहब वाला काम करते तो मुनाफेटिंग का काम कर रहे हैं, आज काम करने वाले वो काम कर रहे हैं जो करने वाले मुनाफेटिंग करते हैं। आदमी तहाजे पर मुस्कुरात में निकलना चाह रहा, सारे मशवरे वाले मिलकर के पूरी ताकत लगा दें, कदरे लगा दें, जोर होगी बेशुमार इलाकों के वो कह रहे हम मसलन का काम नहीं कर रहे, सबसे बड़ा अमल बलमानी लिखा है ईमान और इस्लाम के बाद दीन की नस्बत पर अपनी जान मान को लेकर हिजरत करना, इस अमल में खवातीन मर्दों के बराबर ऐसी बराबर ही नहीं बल्कि अगर यह कह दिया जाए कि अल्लाह के रास्ते का नफर, अल्लाह के रास्ते का फुरूज, अल्लाह के रास्ते के नफर हरकत का सिलसिला शुरू जो हुआ वो मामसूरा जमात ही से हुआ, सुन्नत ने तो कोई मुबालगे की बात नहीं, सबसे पहली जमात मामसूरा निकली जिसमें 5 खवातीन, दूसरी जमात मामसूरा जिसमें 17 खवातीन, और तीसरी जमात मक्के से मदीने की तरफ जिसमें मर्द और औरत दोनों को बराबर रखा गया, एक एक ने हिजरत की फिर मदीने तैयबा में, तो इस तरह अमूमी फिजा कायम होगी अल्लाह के रास्ते में मर्दों और औरतों की निकलने की, जिस तरह मदीने में पहुंचकर मर्द और औरत दोनों अमूमियत के साथ पाबंदी के साथ नमाजें पढ़ा करते, कोई बड़ा नहीं मिलेगा अल्लाह के रास्ते में जमात जारी खबर मिलती के साथ में खवातीन खुद ब खुद जाकर अपनी तश्कीरें करवाती जिस तरह मर्द तश्कीरें करवाते।
आप खैबर तशरीफ ले जा रहे, बलो दीवार की औरत इकट्ठी हुई, आपकी खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप तशरीफ ले जाए, हम भी आपके साथ जाते हैं। उम्मे सुलेख रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार की खवातीन की जमात ऐसी बनाई जो हमेशा तकाजे पर हरकत पे रहती, जब भी आप जाने का इरादा फरमाते उम्मे सुलेख को इशारा और उम्मे सुलेख सारी खवातीन को लेकर फौरन हरकत में आ जाती। हमारे जहन में है कि बस मर्दों का तकाजों पर निकलना है ऐसा सुनते थे, लेकिन खवातीन का तकाजों पर निकलना सुनते थे, इसका तो इल्मी नहीं काम करने वाला। ये कहते हैं नहीं बिदअत चल रही, हालांकि ये पुरानी सुन्नत है, हम बिदअत नहीं है, ये पुरानी सुन्नत है, बिदअती तो हमें हमें बताई नहीं सीरत। आज तक ये सवाल करने वाले मुस्तकिल आते रहते, एक साहब है पिछले महीने में भी मस्कुरात में गए, इस महीने में भी और उससे पहले भी मर्दों में नहीं गए, इनका इनके बारे में क्या राय है, जैसे बहुत बड़ा कुफर का फतवा लेने आ गए। हम वही उनसे पूछते हैं कि आप जिन साहब के बारे में पूछे उन साहब के मस्जिद में फूक कर देखें कितने मर्द हैं, और उन सब के बारे में पूछे मस्जिदवार जमात में 10 आदमी है, बताओ इस महीने मर्दों में गए, पिछले महीने में, 3 महीने में, उससे पहले, इन 10 में से कितने लोग मस्कुरात में कब गए, कोई नहीं गए। उनका पहले सवाल किया उसका जवाब दे दो, वही जवाब हम देंगे आपको। पहले उनका जवाब दीजिए, फिर इसका जवाब दें। अगर इन एक साहब के बार बार मजदूरात में जाने की वजह से बिगाड़े, तो इन 10 आदमियों के मुसलसल मर्दों में जाने की वजह से पूरी दुनिया में बेमर्द की आंख हो, अपने खवातीन को ध्यान देने का उपयोग करके चले जाते, ऐसा सी खवातीन को किचन वॉशिंग मशीन बना रखा और कुछ आदमी किचन और वॉशिंग मशीन, काम के वास्ते औरत है, बाकी काम के अतबार से वो किचन है और वॉशिंग मशीन, इसके अलावा तो हमें उनके इस्तेमाल की कोई शक्ल ही नजर नहीं आता। नवदूर के जमाने में 10 साल खवातीन ने वक्त लगाए, 10 साल लगाई थी बहने भी, अब सहाबिया थे, 7 साल वक्त लगाई थी सहाबिया थे, और 7 मरतबा गजवात में शिरकत करने वाली सहाबिया थे, और 2-2 साल अल्लाह के रास्ते में तरतीब से वक्त लगाने वाली सहाबिया मौजूद है, और पहले शोर को शहीद करने वाली, दूसरे शोर को शहीद करने वाली, 3-3 शोरों को शहीद करने वाली साहबियात मौजूद है, और शहादत के जज्बे के साथ निकलने का मामूल, और यहाँ तक के मर्दों के साथ अपनी खबरें दुनिया के कोने कोने में जाकर बनाना, इस मियाद पर अल्लाह के नबी साहबियात को डालकर छोड़कर गए, और ये सारे वाकत आयतुसाबा में वहां ईश्वर ने जमा किया, इसलिए नहीं कि ऐतिहासिक चीजें, तारीखी चीजें, हिस्टोरिकल चीजें पढ़ करके गुजर जाओ, बल्कि बयान करना ये मकसूद है कि इस उम्मत में दोबारा मस्कुरात के खुरूज का वो मियार कायम हो जाए जो मियार था हमने बदलने का, खवातीन 10 साल 15 साल 90 जमाने दूर के लिए शहादत के जज्बे के साथ यहाँ तक के मुसलसल निकल निकल कर अपने महरमों के साथ जब तक खबरें नहीं बनाई थी पूरे आलम से बेपर्दगी खत्म हो नहीं सकती, बातें खत्म नहीं, अभी तक जहन में सही अभी तक आई नहीं है बात हमारे जहन, अभी तक ये तीसरा साल का सेहर होगा, तीसरे महीने का सेहर होगा, साल का अखड़ा 3 साल में मतलब, ये तो फुकरा मसाकिन की तरतीब है, हम जैसे कमजोरों को सामने रखकर बताए थे, इस पर अनाज करना उम्मत की बेदीनी जहालत बेपर्दगी पर अनाज करना उम्मत की इर्तिदा पर अनाज करना, पूरी उम्मत के सारे मर्द सारे और तीसरे महीने के सेहर होगा साल काशरे पर आ जाए, तब भी बेदीनी के सेहराब के मुकाबले में तीन की हैसियत रही है सारी करना, मेरी जी के सैलाब के मुकाबले इन तरतीबों से तो हम अपने घर मौजूदा घर के अंदर मौजूदा जो औलाद है और आगे आने वाली नस्लों को भी बातिल से और दहलिए से और इलाहाद से कुफर से बचा नहीं सकते। अल्लाह के रास्ते में निकल करके ये बात बुनियादी तौर पर बदला नहीं, अल्लाह के रास्ते में खवातीन का निकलना कितना है कितना जरूरी, साहबियात के वाकत खूब सुनाए और फिर उसके बाद उन साहबियात के खुरूज को असल सुन्नत करार देते हुए और अपनी इस तरतीब को हकीर मामूली और इंतहाई कमतर और नाजुक और कमजोर समझकर तौबा इस्तिगफार करते हुए और साहबियात के खुरूज की हिर्स करते हुए इस पर एक एक को लाने की कम से कम दर्जे की कोशिश करें, अपनी तरतीबों में जितना चाहे तौबा इस्तिगफार कर लो। तो आखिरी दर्जा है, यदि कि आला दर्जा है, तो आला दर्जे पर जाने के लिए प्राइमरी है अलग बात है, तीसरे महीने का सेहरोज़ा साल आशरा 3 साल में फर्क होगा, अब 3-3 में जा रहे एक खातून 3-3 में जा रही तो उसके लिए पर्दे का होना और शरई महरम का होना कच्चा साथ में
नजदीक में जाना चाहिए तो फिर अमल भी ना हो और तीन मरतबा से रोजा लगा हुआ हो। दिल्ली में जाना चाहिए एक आशरा काफी, बेरोज जा रही दो चीजें अंदरून में लगे हुए, नुसरत में आ रही तीन चीजें लगे हुए और आखिरी गुरुज तीन साल के अंदर हुआ, तीन साल सुपर हो गया, एक्सपायरी डेट है, पहले टीका लगा उसके बाद अंदर आओ। गुरुज असल है यहां पर आना सकते, तुम्हारी बच्ची तीन दिन में पहले से जा सकती थी, अब आश्रय में भी जाने की इजाजत शर्त थी कि मां के साथ जाओ। जो मर्द अल्लाह के रास्ते में जाना चाह रहे सहरोजा में उनके लिए महरम होने के अलावा कोई शर्त नहीं, महरम होना चाहिए बस इतना का। अब आश्रय में जाना चाहते आप तीन शब्दों का इजाफा होगा, बाशरा हो, चिल्ला लगा हो, शादी शुदा हो, पहले शादी शुदा पता नहीं जा सकते दस दिन, और चिल्ले में जाना चाह रहा एक शब्द का इजाफा के चार महीने लगा होगा, और जो बेरू मां मसूरा दो महीने जाना चाहते हैं एक शब्द का इजाफा तीन मरतबा चार महीने अंदरून में लगे हुए। तीसरे महीने में सेरोजा लगाते हुए तकाजा है तो दूसरे महीने में, और तकाजा तो हर महीने में भी सेरोजा लग सकता है। जो लोग गलती वाले हैं महाना वो तो तय करके उठे यहां से हर महीने सात दिन मरतों में और तीन दिन मसूरा। नमाजें पैदा करने से अपनी जात को पेश करने से हर शहर और हर जिले के अंदर 50 जोड़े स्टेपनी वाले ऐसे तैयार रखो कि कभी भी उस शहर शहर की किसी हालत या उसके बाद तहसील या उसके बाद गांव करीब हो दूर हो कोई एक जमात शहरों का आशरा चिल्ले की तैयार किसी भी दिन और किसी भी वक्त में तैयार हो जाए 24 घंटे में या हफ्ते भर में, तो फिर हमारे पास 50 जोड़े तैयार है और फौरन लगा के रवाना कर दो। आज के बाद ये सारा मजमा तय करे, नियत करे, इंशाल्लाह कैंसिलेशन के मशवरे को लेकर कभी नहीं बैठे, तो मुनाफे दिन का मशवरा कहलाता बहुत कर ली कैंसिलेशन के मशवरे, जमातों की जमाते कैंसिल कर करके न जाने कितनी औरतों को रोती हुई सिसकती हुई तड़पती हुई दरखास्तें करती हुई फरियादें करती हुई खबर में भेज दिया, लेकिन निकलने की कोशिश नहीं, क्यों समझे वालों के इमिग्रेशन बड़ा सख्त, एयरपोर्ट में भी इमिग्रेशन क्लियर हो जाता है, लेकिन ये जो मैनेजमेंट कमेटी आप मशवरा जमाते इनका इमिग्रेशन जल्दी क्लियर नहीं होगा। दुनिया भर के मनखड़ा शराइत लगा लगा करके खवातीन को जन्नत की तरफ रोके हुए, ये नहीं पूछते निजामुद्दीन से क्या कहा। सर पूरी होगी, अब इसके बाद देखो तकाजा है मशवरे से तय कर गया, बल्कि आप कहीं जाएंगे आप देखेंगे किसी मस्जिद में सहरोजा की जमात बनके तैयार बैठी हुई है, पहला तफक्कुद ये करेंगे ना खर्च का ना हिस्सा, पहला तफक्कुद इन सबका मां मसूरा सहरोजा कम लगा, तीन महीने से सब फौकबल हो गया, अब एक को भी मर्दों में जाने की इजाजत नहीं, सब के सब जाए वापिस और अपनी खवातीन को तैयार करके दो जमात बनाए पांच पांच जोड़िया दबा दो। अगर ये काम कर लिया तो आपने उम्र को काम के सही ऊपर डाल दिया, आपका तफक्कुद नाफिज है। अगर सिर्फ आप ये जानते हैं कि कोई साहब मसूरात में बार बार जा रहे हो उन्हें रोकना जानते हैं तो आपका तफक्कुद नाफिज है। कामिल और मुकम्मल तफक्कुद और मशवरा ये है कि सिर्फ मर्दों ही में जा रहे उन सबको रोक रोक करके उनकी बीवियों के साथ मसूरात में निकालो, आला दर्जे के आप जाए, आपकी फिक्रें बांध है। अगर आपने सिर्फ मर्दों की फिक्र करी मसूरात की फिक्रें नहीं करी, आपकी फिक्रें नाफिज, आपकी कोशिशें आपकी तदबीरें सारी की सारी नाफिज, बल्कि खिलाफ सुन्नत तरीके पर अगर आप हैं 100%, अगर आपने सिर्फ मर्दों की फिक्र कर रखी मसूरात को छोड़ रखा, दिल्ली की जमात तैयार हो रही, पहला सवाल है सबका मां मसूरात अशरा कब लगा, इस साल नहीं लगा, पिछले साल नहीं लगा, हर साल नहीं लगा, तो सारी जमात का घूमने के बल पैदल पैदल चलना या घूमने के बल चलना चिल्ले में उससे बदल जाए आप दलौला अपनी खवातीन को लेकर चलने जाना, शरीयत ने कोई हक नहीं दिया अपनी खवातीन को जहन्नम और जहन्नम वाले अमाल पर रास्ते पर डाल डाल करके खुद अपने जन्नत बनाने की फिक्र में अल्लाह के रास्ते में निकलने का शरीयत ने कोई हक नहीं दिया। ये जालिम एक नंबर जो अपनी मसूरात को छोड़ छोड़ कर देता है, ऐसे लोग हैं जिनकी गरीबान खींच खींच करके इनकी खवातीन जान में ले जाती है, चार महीने की जमात बन रही है कोई खुशी की चीज नहीं, पहला तफक्कुद करो इन सबका, अगर आप चिंता रख लिया तीन साल से ऊपर हो चुके अभी का चार महीना पैदल घूमने के बल जंगलों में जाने से बदल जाए अफजल और औला अपनी खवातीन को लेकर तीसरे साल का चिंता लगा, कोई जमात बन रही है बैरून की पांच महीने की 50 लाख खर्च की जमात है लेकिन इनका मां मसूरा दो महीने नहीं लगाए पूरी जमात कैंसिल करो, इनका 50 के 1 करोड़ रुपए में बैरून जाने से बदल जाए आपसे राहुल इनकी खवातीन को लेकर दो महीने बैरून लगा, इस रूप में लाओ अपने मसूरों धोखा लगाओ, अभी तक मसूरात का काम कर रहे मसूरात का काम 5% की अभी खवातीन अल्लाह के रास्ते में नहीं निकली जिसकी वजह से 95% के पर्दे की आम हो रही मसूरत
95 फीसद बेपर्दा के लिए, 5 फीसद मसूरात के निकलने से क्या हो जाए? हम निकलने वालों को देखते, जो नहीं निकल रहे उन्हें देख करके हमें हैरानी होती कितनी बड़ी तादाद बैठी है। फरमाते थे करोड़ों लोग बीमार हैं तो 1 लाख डॉक्टर से सही काम नहीं बनते, यहाँ तो बेशुमार लोग रूमानी बीमारियों में और मर्जों में मुबतला है और यहाँ पर चंद लोग चंद हजार निकल गए उसी पर हम खुश हो। कितने निकले ये मत देखो, कितनों के लिए निकलना चाहिए तो उसके साथ आप कंपेयर करो तो अंदाजा लगेगा तवाजुन बैठे। जिस्मानी बीमारी आम हो गई और उसके लिए वैक्सीनेशन कम आ गया उसका तो कंपेयर अच्छी तरह लोग करते हैं, लेकिन ये मालूम नहीं रूहानी बीमारी कितनी फैली पड़ी तो उसके लिए 80 जमात 90 जमात रुपये निकलने का क्या हासिल। तभी आपको बन गए। अभी तक हमारा मामूल ये रहा कि एक चार चार जोड़े तैयार हुए और एक उसे कैंसर इसलिए किया ले जाने वाला कोई नहीं, तारीख है नहीं अभी, अभी निकलने का वक्त नहीं है, और एक जोड़े तो पता नहीं कितने कैंसर किए। अब ये मिजाज बने, एक जोड़ा तैयार हुआ, उस एक जोड़े को जहन्नम से बचाकर जन्नत वाले रास्ते पर डालने के लिए 4 जोड़े तैयार किया करो, इस रूप पे लाओ मेरे मशहूर। ये कहते हैं ना एक ही तो जोड़ा, इसका साफ मतलब ये कि अल्लाह की नबी की जिंदों पर आप है ही नहीं, एक जोड़ा ही तो है कहने का मतलब ये, एक जोड़ा ही तो है, बेपर्दा है और बेदीन है और जन्नत में चले जाए, इसका जन्नत में जाना क्या जरूरी है? मतलब आम मिजाज है लोगों का, एक एक जोड़े पर मेहनत नहीं होती, एक एक फर्ज पर मेहनत नहीं होती, तंजीमी मिजाज दावत की मिजाज से सब उतार दो, वरना एक जोड़ा तैयार हो जाए उसे किसी तरह निकालने के लिए पूरी ताकत लगा के 4 जोड़े तैयार करके उसके निकलने का बंदोबस्त कर दो। शहरों में जा रहे हैं और आश्रय में जा रहे हैं उसकी अब ये इजाजत हो गई है कि 5 जोड़े के साथ 6 जोड़ा भी जा सकता है, से रोजा और आश्रय में काफी, और 5 मर्द 5 औरतें, 5 मर्द और 6 औरतें, 5 मर्द 7 औरतें, यानी ज्यादा ज्यादा 7 औरतें भी हो सकती है 3 दिन और आश्रय में, और इसकी भी इजाजत हो गई, पहले एक मर्द अपने साथ एक खातून को दाइज लेके चल सकता, 5 मर्द है तो 6 औरतें और 6 मर्द है तो 7 औरत, अब इसकी इजाजत हो गई है कि 2 मर्द अपने साथ एक एक खातून को जायज लेकर चल सकते हैं, चाहे वो शादी शुदा हो जाए शादी, 2 मर्द एक जमात में शेर होता है और ऐसे 2 मर्द अपने साथ एक एक खातून को जायज लेकर चल सकते हैं। आशरे की जमात जा रही है, शेरोदा की जमात जा रही, कोशिश करें कम से कम उसने एक आशरे वाला जोड़ा हो, या कम से कम 3 मरतबा शेरोदा लगाए हुआ कोई जोड़ा हो, तो कम से कम अच्छा दूसरी बुनियादी बात यह अल्लाह के रास्ते में निकलकर 100% घरों के अंदर 5 अमाल के साथ तालीम को जिंदा करना चाहिए कि हमारे काम का बुनियादी मकसद है उस उन सुन्नतों को और उन अमाल को जिंदा करना है जिस पर अल्लाह ताला ने कयामत तक आने वाले मर्द और औरतों की हिदायत के वादे पर तस्किए के वादे पर में तफहीद के वादे पर में जिनमें अहम तरीन आमल कुरान और हदीस का अल्फाज लगाना। अल्लाह ताला ने अज़वाजे मुतहरात को ये हुक्म दिया अपने घरों में उन आयात और हिकमत की बातों को खूब याद रखो जिसके तस्किरे और चर्चे हर वक्त तुम्हारे घर में रहते हैं। मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया इस आयत के अंदर खिताब अज़वाजे मुतहरात को है लेकिन हुक्म क़यामत तक औरतों के लिए आम है। इसका मतलब ये जिस तरह क़यामत तक आने वाली हर ईमान वाली पर्दे में पर्दा करने में नमाज पढ़ने में ज़कात देने में और बेपर्दगी से बचने में क़यामत तक वो अल्लाह की तरफ से मामूर है मुकल्लफ है उसे अल्लाह की तरफ से बराए रास्त हुक्म इसी तरीके से क़यामत तक हर मर्द और हर औरत अपने घर में कुरान हदीस का अल्फाज लगाने का बराए रास्त अल्लाह की तरफ से मामूर मुकल्लफ। हम क्यों लगा रहे हैं कुरान हदीस का अल्लाह का अमर है अल्लाह का हुक्म और वादा किस चीज का है अल्लाह की तरफ से वादा है तफहीर का इज़हार रिक्स का यानी गंदगी को दूर करेंगे जो गुनाहों की गंदगी है उसे दूर करेंगे और तुम्हें नेकियों से आरास्ता करके मुकम्मल पाक साफ कर देंगे। इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा'नकुम रिज़्सल बैत व युतहिरकुम तस्वीरा। जिस तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला को एक हलक़े की बरकत से अल्लाह ने हिदायत दे दी ऐसी क़यामत तक कोई सब दिन इलाका चले जाए किसी घर में ऐसा आदमी हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हलक़े की बरकत से अगर मुकद्दर में हिदायत दे एक ही हलक़े पर उसकी हिदायत के फैसले पर
इसीलिए नबूवत की मिजाने के बाद से कुरान के हल्के लेते हैं, हदीस के हल्के लेते हैं, पहली वही के उतरने के बाद और नबूवत की जिम्मेदारी के मिजाने के बाद आपने सबसे पहला अमल जिससे आपने नबूवत की मेहनत की शुरुआत फरमाई वो कुरान और हदीस के अलावा और कोई अमल लड़ाए हजरत खदीजा को लेकर कुरान का और हदीस का अल्फाज दुनिया से तशरीफ ले जाते ले जाते अगर कोई अमल आपने किया है तो वो भी कुरान और हदीस का हल्का है। आयशा को लेकर उनके सीने में सर रखकर आप हदीस सुनाते हैं दुनिया से तशरीफ ले शुरुआत करिए हम आप ले जाते हैं और इत्तिहाद ही हजरत आयशा से आयशा खुद फरमाती है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे सीने पेटे के लगाए हुए तशरीफ बार तारी हो रही और मैं बहुत गौर से सुन रही अल्लाह के नबी क्या क्या फरमा रहे तो देखा अल्लाह के नबी ने पहले से फरमा रखा था किसी नबी को उस वक्त तक मौत नहीं आती जब तक उन्हें दुनिया और आखिरत के दरमियान चॉइस और इख्तियार ना दे दिया जाए और वो आखिरत को चुन ना ले। अचानक मैंने देखा अल्लाह के नबी के होंठ मुबारक हिलने लगे हरकत करने लगे और मैंने देखा तो अल्लाह के नबी दुआ पढ़ रहे अल्लाहुम्मरहमनी अल्लाहुम्मगफिरनी अल्लाहुम्मरहमनी अल्लाहुम्मरफीकल आला तो मैं फौरन समझ गई कि अभी अभी अल्लाह के नबी को इख्तियार दिया गया और अल्लाह के नबी ने दुनिया के मुकाबले में आखिरत को चुन लिया और अल्लाह के नबी यकीनन दुनिया से ये क्या है हदीस का हल्का है सकरात के आलम में हम पढ़ के निकल जाते ये क्या है सकरात के आलम में हदीस का हल्का सारी बीवियों से बारियां हटाकर हजरत आयशा के घर में बारी लगवाई ताकि हजरत आयशा जो इल्म अच्छी तरह महफूज करने वाली है सकरात के आलम से मुताली सारे अहकाम सारा इल्म उनके जरिए से उम्मत की माओ बहनों तक पहुंच जाए मर्दों तक पहुंच जाए अगर दिन में अल्लाह के नबी थके हुए और आराम फरमाने लगे तो अचानक रात को उठकर हदीस का अल्फाज ले लिए बुखारी शरीफ की रिवायत इस तरह अल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ले रहे فقال سبحان الله ما انزل من الفجر الليل وما فتح من الخزائن فيخذوا صواحب الحجر فرق كاسيه في الدنيا عاليه في الاخره आप ने फरमाया कि आज की रात बेशुमार कितने उतारे गए और बेशुमार खजाने खोल दिए गए कोई एक हुजरे हो हुजरे वालियों और कमरे वालियों को उठाने वाला यानी अजवाजे मुतहरात को फिर आपने फरमाया कि दुनिया में बेशुमार औरतें लिबास के साथ होंगी और आखिरत में वो लिबास से महरूम उठाई जाएंगी। क्या है अपनी अपने घर वालों को लेकर रात के वक्त में भी हदीस का हल्का ऐसा लेना और उसके जरिए से आखिरत से आखिरत की नेमतों से महरूम कर देने वाले आमाल से चौकन्ना करना यानी उन लिबास से बचो जो अखियार के मुशाबे हो और जिसके वजह से आखिरत के लिबास से महरूमी हो। तो क्या उम्मे सलमा का ऐसा लिबास था यानी उम्मे सलमा के थ्रू कयामत तक आने वाली औरतों को खवातीन को मुतनब्बर करना मकसूद है अल्लाह माफ फरमाए काम करने वालों का अच्छा खासा ऐसा तबका है जो मस्जिद के अमान का अपने आप को मुकल्लफ समझता है घर के अमान को जायद और नफिल काम समझता है अपने आप को मुकल्लफ ही नहीं समझता तो सुन्नत के खिलाफ जा रहे जो लोग सिर्फ मस्जिद के अमान में बैठते हैं घरों में आकर बीन बच्चों को लेकर इमाम से अपने अपने जबान से अल्लाह के नबी की हदीसें नहीं सुनाते कुरान की आयतें नहीं सुनाते वो तो सुन्नत के खिलाफ है सुन्नत से हटे हुए एक गज करके दूसरा गज न करने वाला बाद अमाल वाला साथी इसी तरह मस्जिद के अमाल और कुरान हदीस के अंदर लेकर घर आकर कुरान हदीस के अंदर भी बच्चों के साथ न लेने वाला बाद अमाल वाला साथी पांच अमाल वाला साथी कभी शुमार नहीं हो दिन भर थके हुए और रात और दिन रात में आया गुस्सा और तमाम खवातीन अंदर बैठ के पर्दे से सुन रही और फिर अंदर जाते फिर आया गुस्सा खवातीन कहती हमने सुनी तो कहते वो मेरी मस्जिद की तारीफ में मेरी गलती था मेरी मस्जिद की नाली में अजवाजे मुतहरात को इकट्ठा कर करके अल्लाह के नबी हदीस सुनाए करते सारी अजवाजे मुतहरात को इकट्ठा कर लिया और आपने फरमाया असरअकुन नबी लहाकम अतवलकुन यदन قالت فكنا يتطاول أيد أطول يدا قالت فكانت أطولنا يدا زينب رضي الله تعالى عنها لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق رواه مسلم आपने फरमाया कि मेरे मरने के बाद तुम में से सबसे पहले जल्द मुझसे मिलने वाली वो बीवी होगी जिसका हाथ लंबा होगा। ये सुनते ही सब के सब अपने हाथ की पैमाइश में लगे। बाद में पता चला कि हजरत ज़ैनब लंबी हाथ वाली शुमार हुई क्योंकि लंबी हाथ से मुराद ज्यादा सदकात खैरात करने वाली वो अपने हाथ से खूब सदकात खैरात किया करती थी यहाँ तक उनको खुद मजाकिन था। ये क्या है अल्लाह के नबी का घर आकर हल्का ले कैसे घर के सारे मेंबर को जमा करके ले और फिर उसमें ऐसे अमान की तरदीब देना जिससे अल्लाह के नबी से कल क़यामत में जल्द मुलाकात हो। फ़ज़ाइल के हक़ों की तारीफ अल्लाह के नबी सारी बीवियों को इकट्ठे करके दे रहे हमें फुर्सत करा कर दे।
रिवायत की सलाह यहाँ तक मौजूद है। एक मरतबा खानफा लेने लगे, देखा अम्मा फातिमा का है, अम्मा फातिमा को बुलवाया, अम्मा फातिमा आने लगी। अब आयशा कहती हम समझ गए कि फातिमा यहाँ आने क्यों, अल फातिमा और अल्लाह के नबी के चाल में रत्ती बराबर फर्क नहीं होता, इतना वो अपने अब्बा जान अल्लाह के नबी की चाल में भी इत्तिबा किया करते। जो आदमी ये चाहता है मेरे घर के बच्चे और औरत अल्लाह के नबी की सुन्नत तरीकों पर आ जाए, रिवाजी तरीकों में हर तरह से वो बच जावे, तो घर के अंदर हदीस के हल्के लगावे, तो अल्लाह ताला इसी तौफीक देंगे जैसे उस जमाने की खवातीन को इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक मिली। ये सारे वाकया से बुखारी मुस्लिम तिर्मिजी सिहाह सित्ता की किताबें भरी पड़ी हैं, कहां तक बयान करें आपके साथ। हमारी बुनियादी हिम्मत अल्लाह के रास्ते में जाकर इन सारी सीरत के वाकयात की रोशनी में एक एक को खवातीन की तरकीब दे और हमारे मर्द मर्दों को तरकीब देकर घर घर में 100-5 अमाल या कम से कम 5 अमाल के साथ, ये 5 अमाल के साथ तारीफ जिंदा हो जाए, कुरान का हल्का और हदीस के हल्के हों, एक दिन मुस्तफा से एक दिन बदायल अमाल वहाँ बदायल सलम का 6 सिफात का मुजाकिरा तश्कील हो रहा है, अगले दिन के 3 अमलों का मशवरा, इसलिए ताकि सबको एहसास हो जिम्मेदारी की फिक्र पैदा हो और हर एक अपने जिम्मेदारी को पूरा करने की जाहिरी कोशिश भी करे और अल्लाह से भी दुआएं मांगे, जिसकी किताबी तालीम है वो अच्छी तरीके से अरबी इबारत नहीं तो कम से कम उर्दू तर्जुमा अच्छी तरह पढ़कर समझ कर उसको तैयारी के साथ आ रहे, जिसके 6 नंबर है वो मुस्तफा की रोशनी में 6 सिफात की तैयारी के साथ पहुंचे। इसलिए दोस्तों करेंगे इसकी फिक्र इंशाअल्लाह। एक तबका ये भी है जो अंदेशों के नजर हो चुका है और अंदेशों के वजह से मशवरा कर रहा, बस मंसूर साले जो आमाल दावत है जो कुरान हदीस से साबित है, ऐसे आमाल दावत को अपने अमल की कसौटी में पढ़ते अंदेशों को देख, इल्लतों को देख, हमें देखना है क्या शरीयत में कोई ऐसा उज़्र या सीरत में कोई ऐसा उज़्र मिलता है जिसकी वजह से अल्लाह के नबी ने घर के अंदर कुरान के हल्के लगाने से वक्ती तौर पर मना कर दिया हो या उज़्र वाली किसी खातून को आसमान में बैठने से मना कर दिया हो। दोनों का जवाब सियासत में मौजूद, दोनों का जवाब कहाँ मौजूद, सियासत। आज आयशा भी फरमाती, उम्मे सलमा भी फरमाती है कि आपका मामूल हुआ करता था कि जिस बीवी की आंख बारी होती और उनको उज़्र होता शरई, उसके बावजूद उनके साथ बैठते और कुरान का हल्का लेते, कुरान पढ़ते जाते और ज़ौजे मुकर्रमा कुरान सुनती ही रहती। अम्मा जो तो खुद फरमाती अल्लाह के नबी मेरे पट्टे के लगा मेरे गोद पर सर रखे, मैं कुरान पढ़ते जा रहे, मैं सुनती जा रही, हालांकि मैं उज़्र से उस पर नमाज भी। दोनों का जवाब मिली। इसके बाद कोई आदमी बेअकल होगा जो ये कहेगा नहीं, इतने जमाने से तो हमने सुना नहीं है, अब ये क्या नई बात निकाल कर रहा है, ऐसे हालत से कुरान के लगाए जा रहे हैं, इससे तो बड़ी शर्मिंदगी हो जाएगी, इससे तो पता नहीं क्या हो जाएगा कि उससे कुछ नहीं होगा, बस उम्मत की राय से महरूम होकर दुनिया से जा रही कर दे मशोरे बैठ करके सारे मान ले जाए। तो यहूद नसारा का मिजाज है कि वो अपनी अकल की कसौटी का अल्लाह के नबी की सुन्नतों को आयतों को पढ़ता करते, या कुफार का मिजाज जो आज के मुसलमानों में अल्लाह माफ करना काम करने वालों में पैदा हो गए, इतनी अपने अकल के घोड़े दौड़ा दिए इस काम के अंदर और इतना तजर्बे में आगे निकल चुके कि कुरान हदीस की जगह इनकी अकलों ने ले ली। आप कोई आयत या हदीस सुना दो तो वो अपनी अकल की कसौटी में फर्क दे, अगर अकल तो उतर गई तो ठीक है, नहीं उतरी तो कुरान हदीस को छोड़। इसलिए उम्र कह गए कि जो राय वाले होते हैं वो हमेशा सुन्नतों को दुश्मन हुआ करते, राय वाले अभियार नहीं होते सुन्नतों के दुश्मन, मुसलमानों में वो होते हैं जो अपनी राय को कुरान हदीस पे तरजीह देते। क्यों, इसलिए कि कुरान का पढ़ना भी अल्लाह का अमर है और हिदायत का सबब, उसका सुनना अल्लाह का अमर उस हिदायत का सबब है। फर्क क्या है, फर्क ये है कि पढ़ने की वो शर्त है जो सुनने के लिए नहीं, इसलिए खातून पढ़ने में तो माजूर हो सकती है, सुनने में कभी मौत तक माजूर हो नहीं सकती। अब उधर के जमाने में इतना शिद्दत के साथ एहतमाम क्यों, अल्लाह के नबी ने फरमाया जवाब बहुत आसान है, जब खवातीन तारत में होती है तो मुसल्ला हथियार बंद होती है और शयातीन उन्हें गुमराह करने में कामयाब हरगिज नहीं होते, लेकिन जब वो तारत से खाली हो जाती है तो फिर मेहनत की होती है और शयातीन उनको गुमराह करने में कामयाब होने लगते हैं, ऐसे मौके पर उनका तोड़ फरिश्तों के पर के अलावा नहीं, जिसके लिए कुरान हदीस का पढ़ना जरूरी है। दुनिया भर की टेक्नोलॉजी में दिमाग बहुत चलता है लेकिन ये कुरान हदीस की बारी क्या समझ में नहीं आती दुनिया। तीसरी बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह के रास्ते में निकलकर हमारी ये कि अखबारी जारी मालूम होने में कायम करें,
चंद मकानात के बीच में। क्यों? इसलिए अल्लाह के नबी का मामूल था कि खवातीन को जमा करके नसीहतें फरमाते, खवातीन को जमा करके सदका खैरात की तरगीब देते, खवातीन को जमा करके मर्दों की और अपने शोहरों की नाशुक्री से मना किया करते थे। और आपके इंतकाल फरमाने के बाद अजवाज मुतहरात को मामूल था कि मदीने के किसी घर में खवातीन को जमा करती और खुद जाकर उनसे दीन की बातें किया करती थी। ये दोनों वाक़े मुफ्ती महमूद रसूल गंगोई रहमतुल्लाहि अलैह ने खिताब महमूदिया से नकल करके बताया कि ये है अखबारी तारीख की असल असास और बुनियाद, जिससे हर कम से कमजोर से कमजोर ईमान वाली दीन पर आ सकती है माहौल की वजह से। इसलिए एक मौलवी इतने अखबारी तारीख मकसूद और मजबूत है जिससे हर ईमान वाली का ताल्लुक कायम होकर उसके घर में आमाल दावत जिंदा हो जाए। एक मौलवी की तारीख कोई बुनियाद नहीं, एक मस्जिद की तारीख कोई बुनियाद नहीं, कोई बुनियाद नहीं। इतनी तारीख होनी चाहिए कि अखबारी एक एक ईमान वाली उससे जुड़ जाए। 15 मकान, 20 मकान, 25 मकान, 30 मकान, 40 मकान। कुछ लोगों का मिजाज है मेरे घर में होते हुए किसी और के घर में शुरू नहीं, मेरे घर में क्या खराबी है या मुझसे क्या गुनाह हो रहा है या कुछ, यहाँ गुनाह होने का या खराबी का मसला नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा मसला यह है कि ये बताओ कि आपके मोहल्ले में 500 बहने उनमें सारी ईमानदारी अपनी गाली से जुड़ रही है, क्योंकि आपके मकान कल गए, आपके मकान में गुंजाइश थी, फिर आपको क्यों इसरार है कि मेरे मोहल्ले में एक ही गाली होनी थी। ऐसे लोगों को अच्छी तरह गौर कर लेना चाहिए। अगर 150 बहनों की आमद पर उन्हें खुशी हो रही और माशाल्लाह कह रहे तो 250 बहने इस तालीम में ना आने की वजह से हिदायत से महरूम होकर जानन की तरफ जा रहे, उस पर इतना निंदा पड़ना चाहिए। अब अखबारी तालीम शुरू करनी है तो चंद बातें, एक तो ये कि दो बहन आश्रय वाले कम से कम शर्त है जिस पर फौरन अखबारी तालीम शुरू करा सकते। आप जाएंगे तो बेशुमार जगह संभालने की तो पता लग जाएगा कि यहाँ तालीम है कम और शर्तें ज्यादा हुई पड़ेगी, और शर्तों में मुहारत अलग होगा। लोग समझते चिल्ला वाला होना तो चिल्ले वाली का होना जरूरी नहीं, वो पुरानी शर्त है, एक्सपायरी डेट है, उसका कोई एतबार नहीं। दो बहन आश्रय वाली और तीन बहने एक एक मरतबा सेरोजा वाली, तीन बहने एक एक मरतबा सेरोजा वाली, पर्दे वाला मकान वक्त लगाए भी बहन का होना जरूरी नहीं उस मकान में जिस मकान में आप अफसारी तालीम शुरू करा रहे। ये बात बार बार कई सालों से वाजे करते आ रहे, किसी मोहल्ले में अफसारी तालीम शुरू करने की शर्त है, लेकिन किसी घर में अफसारी तालीम शुरू करने के लिए पर्दे के अलावा और किसी चीज की शर्त। तो पर्दे वाला मकान हो मस्जिद वाला लिबास संभाल सके और हफ्ते बारी या हफ्ते के मशूरे से या जिले के मशूरे से अफसारी तालीम शुरू होनी चाहिए। चार बुनियादी अमल है अफसारी तालीम के जो मस्जिद के सतह पर तय किए जाएंगे। इसके बाद एक औरत के जिम्मे और किताबी तालीम एक औरत के जिम्मे, एक हफ्ते मुंतखब से, एक हफ्ते बजाय अमल बजाय सदका के। कुंवारी बच्ची जिसका सेरोजा या आशरा लग चुका है, अगर जरूरत पेश आ जाए तो ऐसी वक्त लगाई कुंवारी बच्ची से सिर्फ किताबी तालीम आप करवा सकते। और छह सिफात की तश्कील, ये दोनों अमल एक बहन के जिम्मे है और महीने में हफ्ते की तालीम के बगैर 5-6 हफ्ते के अंदर एक मरतबा मर्दों का बयान होगा अफसारी मशवरे से। अफसारी तालीम में जो बहन तैयार हो जाए उसे नफत निकालने का मिजाज रखें, उसे रोकने की हरगिज कोशिश ना हो। पहले से एक जोड़ा तैयार रखें जो ड्यू डेट पर चल रहा है, या फिर ऐसा आदमी जिसकी तारीख आ चुकी है, या ऐसा आदमी जो मर्द मुजाहिदों से तकाजे पर भी जा सके, और बता दें कि इंशाल्लाह इस हफ्ते जमाते निकलने की अपराध या चोरियों के निकलने की उम्मीद लग रही, आप बस तैयार हो। फौरन एक भी जोड़ा तैयार हो गया और एक जोड़ा तैयार शुदा, पहले से तयशुदा, एक तैयार और एक तयशुदा है, मेहनत करो दो जोड़े तैयार करो, फौरन रवाना करो। इन सारी कोशिशों के बावजूद ना हो सके तो भी वो जोड़ा कैंसिल नहीं होगा, बल्कि हल्के भर में देखो कोई शहर का आश्रय की जमात कर रही है उसमें लगा दो, या चिल्ले की जमात कहीं से आके काम कर रही है उसमें लगा दो, बैरून की जमात काम कर रही है उसमें लगा दो, लेकिन उसे कैंसिल कर दीजिए, आपको कोई गुंजाइश नहीं। अफ़्तारी तालीम में मोहल्ले की सारी बहनें जुड़े शिरकत करें, इसके लिए हमारी जिम्मेदारी हफ्ते भर दावत चलाए और मस्जिदवार जमात चलाए। तीन बुनियादी गलती हुई, एक तो ये कि एक दिन चलाते दावत और भी एक घंटे पहले चलाते और भी बच्चों बच्चियों की रंगी से चलाते, और उसमें बड़ी मेहरबानी है कि अगर 15 मकान की गाड़ी में और 15 मकान के बच्चे मकतब में हाफिज साहब के पास बैठे हुए हैं तो एक जिम्मेदारी दी जाती है, आप जरा इमाम साहब को इशारा कर देना कि बच्चों को जाते जाते कह देना कि अपने घर में जाके अम्मी को बहनों को बदलाओ, और बच्चे खेलते कूदते हुए डंडियां मारते हुए जाते हैं और दावत होता है। आज तक इसको मौजू नहीं बनाया, हमारे मस्जिदवार जमात ने अपने जिम्मे ही काम नहीं समझा। हर मस्जिदवार जमात के जिम्मे 3 गश्त है, पहला गश्त, दूसरा गश्त और तीसरा गश्त मस्जिदवार की अफ़्तारी तालीम का, जो हफ्ते भर चलेगा, कितने भर चलेगा, हफ्ते भर चलेगा।
जब आप चलोगे फिरोगे मुलाकातें करेंगे खुसूसी उमूमी मुलाकातें एहतमाम से सारी तश्कीलों के साथ उनकी ये तश्कील करनी अपने घर की तारीख के नंबर दो माशाल्लाह हफ्ते में एक दिन बुना दिन बुना के घर में कितने बजे तक हफ्ते वाली तारीख होगी आपको एहतमाम से इतनी कुव्वत से उसकी तरगीब हो कि मजा आने की कोई हमारे मोहल्ले में रहने वाला तारीख के दिन अपना कोई प्रोग्राम बना ले हमारी दावत चलनी थी इसकी वजह से अफ्तारी तारीख रस्मी का शिकार हो चुका कि आप देखो कुंडी पार्टी थी दस औरतें बैठी रहती है तो अल्लाह के रास्ते में चली गई तो अल्लाह की तैयारी और दूर जब दूर जब जो भावे बच्चियां बेटियां पता नहीं किस तरफ जा रही एक घंटे पहले कोई दावत चली जाती बच्चों के लिए दावत क्या करती इतना मांगो कि दुनिया तो कैसे इतना मांगो ही कि दिन में मस्कुराते अफ्तारी तालीम हो किसी मोहल्ले में बहुत ज्यादा आबादी और बहुत सारी अफवारी तालीम है तो आप ये दो दिन आप कर सकते हैं कि शर्त के साथ कि हर मोहल्ले की खातून अपने मोहल्ले की तालीम में शिरकत करेगी और हर मोहल्ले की खातून अपने मोहल्ले की तालीम में शिरकत करेगी लेकिन कभी उसकी तालीम टूट जाए तो दूसरे मोहल्ले में जाकर सिर्फ शिरकत कर सकती है उसे वहां की तालीम की जिम्मेदारी नहीं दी वहां की तालीम की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी ये सहूलत इसीलिए पैदा की गई है कि अगर एक ही दिन सारी तालीम होती है और मुकद्दर से कई मोहने को तकाजे आ गए उनकी तालीम छोड़ गई तो छोड़ गई उसके बाद उसकी तलाबी का कोई रास्ता तो तलाबी के लिए बताया गया ऐसी जिनकी तालीम छोड़ गई वो दूसरे मोहल्ले में जाकर सिर्फ करीब का मोहल्ला उसी मोहल्ले की दूसरी गली की तालीम को शुरू कराया ये इसलिए नहीं है कि इस मोहल्ले की खातून पुरानी अपने मोहल्ले की भी उमूर हफ्तेवारी संभाले और अगले मोहल्ले की भी तालीम को जाकर संभाले उमूर नहीं किया जाएगा किसी चौथी बुनियादी जिम्मेदारी 100% मस्कुरात 100% मुसलमानों के मकान में हमारा क्याम हो जाता मदीने तैयबा में ऐसा माहौल था कोई भी आता उसे फौरन तकसीम करते घरों के अंदर एक कबीले के खातून बूढ़ी अपने बच्चे को लेकर के आई अल्लाह के नबी ने उसी वक्त उस खातून को सहाबिया के हवाले किया उनके बच्चे को सहाबा के पास छोड़ दिया थोड़े दिनों में ऐसा नस फरमा दे उनके बच्चे के इंतकाल हो हमने गुजर लिया और कपनाया और जनाजा तैयार कर लिया उनकी वालिदा को दीदार के लिए बुलाया वो आगे बैठ गई दुआएं मांगने लगी अल्लाह आप इसको बाद में भी जिंदा करने पर हाजिर है लेकिन उससे आपके दीन का कोई फायदा नहीं और अभी भी आप इनको जिंदा करने पर हाजिर है लेकिन इससे आपके दीन का फायदा है कि लोग मेरे कबीले खानदान वाले दीन में दाखिल हो जाएंगे वरना वो लोग कहेंगे देखो इस्लाम की नौबत की वजह से इसके बेटे इसका बेटा मर गया दुआ करती कर दी मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गो थोड़ी देर के अंदर कफन का कपड़ा हिला और बच्चे ने कफन का कपड़ा अपने चेहरे से हटाया और उठ कर बैठ गया और हजरत अनस फरमाते दोपहर का खाना उसने हमारे साथ खाया और उसके बाद ये बेटा और माँ दोनों लंबे दरमाने जिंदा रहे उसके बाद पहले माँ का इंतकाल हो बाद में बेटे का इंतकाल आप इसे अंदाजा लगाएं थोड़े दिन उस गांव में रहने वाली नई खातून की ऐसी तरबियत और अम्मा से ऐसा तालुक के दुआ के जरिए अपने मरे हुए बेटे को जिंदा कर लिया तो उस घर के खवातीन का अंदाज कितना तालुक उनकी दुआ में कितनी ताकत होगी जिनके घरों में रहने की वजह से इसकी तरबियत हुई एक दिन के अंदर सारा कुफर छट जाता था और 100% ईमान कामिल में दाखिल हो जाया करते थे इस गर्ज से घरों में ठहराया जाता था अब उधर हजरत बनू कैफार के कुछ लोग आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया कि भाई इन्हें अपने घरों में ले जाओ सबको लेके जायजा व्यापारी को छोड़ गए बड़े लही खुश रही अल्लाह के नबी मुस्कुराते हुए अपने घर लेंगे रात का वक्त हुआ तीन बार अल्लाह के नबी के घर के अंदर आमाल दावत कैसे दोहरानी हुई आपने अब रात में भूख लगी उनका अहमद थे उन्होंने कुछ खाने को दिया पीने को दिया सारा खत्म कर लिए एक बकरी दो बकरी सात बकरी पर दूध तने तना पी गए उन्हें गुस्सा आया कहने लगे अजा अल्लाह मन अजा रसूल अल्लाह आदिम गैरा उस आदमी बंदा भूखा रखे जिसने अल्लाह के नबी को भूखा रखा ये सुनकर आपने फरमाया मह या उम्मैमन अगर रिस्क हो रिस्क होना अल अल्लाह है उम्मैमन हम रिस्क हो जिसने अपनी रोजी खाई और हमारी रोजी अल्लाह के दिन में अगला दिन आया फिर ऐलान किया सारे कबीले वालों को मदीने वाले ले गए और जाजा अधिकारी को छोड़ के चले गए अल्लाह के नबी अगले दिन भी उठे घर लेकर आए और इस मतलब रात में एक ही बकरी के दूध में छक गए तेरा को मैं कहने के वही वाला आदमी तो कल वाला हाँ वही आदमी इतना बड़ा फर्क लेकिन कल तक ये पक्का खाते था और काफी सात मेहनों में खाता था और सात मेहनों में खाता है और एक दिन के अंदर पूरी सर्विस हो चुकी और तू को ईमान में तब्दील हो चुका अब वो भी एक महीने का खाता ये घरों के तैयार का बुनियादी मकसद ये भी कर्म तैयार करने का बुनियादी मकसद अल्लाह का पता है हमारे यहाँ कोई शर्त नहीं बाद लोगों ने हवादार होने की शर्त लगा रखी बाद अल्लाह के बड़े जिनके अंदर बड़ा दर्द सामने आने वाली जगह से गरीब ना पड़े
पहले से कुछ खवातीन मुर्तद हो गए दुनिया से चले, कोई बात नहीं, लेकिन अल्लाह के रास्ते में आई बहनों को हवा बराबर मिलनी चाहिए, ग्रास वेंटिलेशन चाहिए। जी बोलते बोलते बोल दिया, हयादारो हवादारो, हवादार हमारे कोई शर्त हम तो ये कह रहे वहां की जमाते दाखिल करो जहां हवा का गुजर नहीं। आपने लगा दी हवादार, जहां हवा का गुजर नहीं वहां कयाम कराना चाहते। पहले बाथरूम हटे धोने की शर्त लगा दी तो कयामत तक वो सारे बन जा रहे, सारा नशीन और जंगल में रहने वाले जिनके यहां कभी टॉयलेट बाथरूम हटे इसका तस्वूर नहीं, वो सारे के सारे लहसे लहन गए। और तीन कमरों की शर्त लगा दी तो कयामत तक दो और एक कमरे वाले तो कभी सोच भी नहीं सकते हिदायत पर आ जाए। माने कोई शर्त एक कमरा हो जिसमें आने वाली खवातीन आराम कर सके, प्रोग्राम कर करके जाजा करके, और एक कमरा हो जिसमें घरवाली अपने बच्चों को लेकर आराम कर सके, एक बड़ा सा हाल हो जिसमें इस तरह प्रोग्राम हो, तंजीमी मिजाज तंजीमी मिजाज को भी डाले हो, आप तराश कर पड़े कर और उम्र दूर कर होगी। दरवाजों के होने की शर्त नहीं, कुंडिया चखनिया किवाड़ दरवाजे और जाहिरी फैसिलिटीज होने की कोई शर्त नहीं है। फिर क्या है कि जिस हाल में और अल्लाह के नबी की उम्मत जिस हाल में जिस घर में हो उसी हाल में उस घर में हमारी खवातीन पांच दिन दो पांच महीने छह महीने दो दिन तक हमारे दावत के साथ गुजारे, ये हमारे काम का प्रोग्राम है। जिस घर में जमात ठहर गई उस घर में ठहराना कोई बुनियाद नहीं है, या जिस घर के अंदर जमात नहीं ठहरी उस घर में जमात ठहराना ये भी बुनियाद नहीं, बल्कि जो मकान इर्तिदाद के ढाने पर जा चुका जिस घर के अंदर बेदीनी बिल्कुल आखिरी हद को पहुंची हुई सबसे पहले उस घर में जमात ठहरनी चाहिए। आसान सी मिसाल है, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तीन आदमी उस हादसे का शिकार हो जाए, एक को हल्के से फरोज आ जाए, दूसरा का फ्रैक्चर हो रहा है, तीसरा आदमी सकरात के आलिम हो, एक ही डॉक्टर हो, आप बताओ कहां से ट्रीटमेंट शुरू करें। अकल का तकाजा शरीर का तकाजा बताइए, बस इसी तरह आप जाओगे किसी मोहल्ले में सौ मकान में से दस पंद्रह मकान में आला दर्जे की दावत इबादत सुनकर सैयद पर्दा करी मनवा एक शहर में छोड़ दो मकान और पचास मकान में पचास फीसद दावत इबादत सुनकर करी मनवा छोड़ दो और उसी मोहल्ले में दस पंद्रह मकान ऐसे कि वहां उस घर में बच्चे मर्द औरत छोटे बड़े सब बाजू के आले कार बन चुके और वो बेदीनी की आखिरी हद को खोल चुके, अब तक वो मुर्तद होने वाले सब ये इमरजेंसी कैसे इस्लाम कम होने के करीब सबसे पहले जमात आपकी उस घर में ठहरनी चाहिए, नहीं ठहरेंगे ना तो कल मैं आपको शादी सबसे पहले पकड़ो लेगा अगर वो मुर्तद हो। जैसे उस डॉक्टर से पूछा जाएगा जिसने अपनी आंखों से एक आदमी को दम तोड़ते हुए देखा और उसके बावजूद उसके साथ बैठे गपशप करता रहा जिसके हाथ में पहुंच आई पड़ी है, तो इस तरह इंसानियत का दुश्मन कहलाएगा इसी तरह उससे बड़ा जालिम ये उससे बड़े जालिम ये जमाते हैं जो मुर्तद घरों को छोड़ छोड़ करके अच्छे फैसिलिटीज वाले और अच्छे मामूलात वाले घरों में जाके करते हैं। अभी तक तंजीमी मिजाज हम लोग देखते ही है कहां पर फैसिलिटी माहौल है, हरे का मिजाज हमारी बहन कमजोर हमारी बहनें कमजोर है हमें वो मकान दे दो जहां पर काबिया बसरिया जैसे हमारे मिजाज खत्म करो। हरे जमात के जिनमें फर्ज आयन का दर्जा एक एक खातून को तलाश करे जो इस मिजाज के स्थान पर जाती खोजना चाहिए। आप मस्जिदों की बुनियाद पर किसी मोहल्ले में नहीं जाना, मुसल्लों की बुनियाद पर किसी मस्जिद किसी मोहल्ले में नहीं जाना, या इस्तेफार और नुसरत की बुनियाद पर फैसिलिटियों की बुनियाद पर किसी मोहल्ले में किसी घर में ठहरने की आपकी जरूरत नहीं है। एक एक ईमान वाली जो बिल्कुल बेदीनी के आपने दर्जे पर पहुंच गई उसको तलाश करते हुए उस घर में किसी तरह दाखिल हो दो दिन तक हमारे दावत करके उसके एंटीबायोटिक का ऐसा इंतजाम करो जिस तरीके से सैलाब में या फिर आग में जल करके बाहर निकाले हुए आदमी की इलाज की आपको फिक्र खत्म हो चुका एक तंजीमी मिजाज खाली हम लोग के डिजिटल बने हुए इलाकों के अंदर क्या बने हुए उसमें नाम लिखे हुए जिले भर में 40-50 मकान इनके घर में माशाल्लाह हमेशा कहती तीसरा तो खुश हो रहे लेकिन ये नहीं देखते कि इनके बगल में कितने लोग बेदीनी की मौत मर चुके। अब नए मकान में क्यों नहीं ठहरा थे, नए मकान में ना ठहराने की दो बुनियाद एक तो ये कि पास पुराने साथी होते हैं वो चाहते नहीं कि मेरे घर को छोड़ के किसी और घर में ठहरा, वो चाहते मेरा ईमान आवला दर्जे का और मैं कामिल दर्जे का मुमिन हो जाऊं इसके लिए मैं अपने ही घर में जमात ठहराता रहता हूं। अगर ये आदमी मौत तक जब अपने घर में जमात ठहराते रहे नाकिस ईमान होके बनेगा, कभी सोच भी नहीं सकता कामिल मुमिन हो जाए क्योंकि हदीस का फैसला है। किसका फैसला है, हदीस का हदीस बताता है कि वो आदमी कामिल मुमिन नहीं जब तक के वो अपने भाई के लिए पसंद नहीं करे जो नहीं पसंद करता है। सबके दिल दिमाग में ये बात घुसी हुई है, लोग समझते हैं हदीस खाने पीने के सिलसिले में इसके बारे में
लिबास के बारे में, खाने के बारे में, सवारी के बारे में, मकान के बारे में, कि अपने लिए जो पसंद करो अपने, इससे ज्यादा अहम माना इस हदीस का तो दावत और आमाल दावत के एतबार से खाने पीने जरूरियात के अंदर आप अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं करे नहीं करेंगे जो आप अपने लिए पसंद करते हैं, और उस वक्त आप खानी मुमिन नहीं हो सकते। आप बताओ कि आखिरत की नेमतों के एतबार से और दीन के अमाल के एतबार से अपने भाइयों और बहनों और पड़ोसियों के लिए जब तक उन अमाल को पसंद नहीं करेंगे जो आप अपने लिए पसंद करते, तो आप कामिल मुमिन हो कैसे जाओगे? दाई बने की अलामत है, वो लोग कहते अगर नया मकान दे दो तो कम से आगे निकाल कर रास्ते चढ़ा करके जिम्मेदार होते चढ़ाई कर देते, तो उससे क्या गलती हुई, उससे क्या गुनाह, उसे समझा दो तुम्हारा जुर्म और महाजुर्म और जुल्म आजीम ये है कि तुम अभी तक अपने घर में जमा ठहराते रहे और अपने अड़ोसी पड़ोसी को हिदायत से मेलू करते, तुम्हारा सबसे बड़ा जुर्म। दाई बने की अलामत है, मरने से पहले अपने मोहल्ले मोहल्ले के घर के अंदर एक मरतबा कम से कम मान मुसलमान जमात को दो दिन के लिए ठहरा दे ताकि घर जाम उतना दर जवाब को दे सके कि मेरे बस में इतना तो था कि मैं उस घर के अंदर पांच बहनों को दो दिन के साथ हमारे दावों के साथ क्याम करा दूं ताकि उस माँ में उज्जत हो जाए अल्लाह के माध्यम को पेश कर सके। पांच बने की अलामत है कि मौत तक सिर्फ अपने घर में जमात देता हुआ और खुशी के मारे खुशी 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 दुनिया से जा रहा और अपने पड़ोसियों को अमान और हिदायत और अमान हिदायत से महरूम करके दो। पांच बने की अलामत बुनियादी जिम्मत है, कोई शर्त नहीं हमारे, सिर्फ पर्दा देखो और पर्दे की बुनियादी उसके बाद तैयार करते चलो, और खुसूसन ऐसे घर को मुकदम जो बिल्कुल बेदीनी के आखिरी दर्जे पर है और एक मौके में हसन जरूरत तैयार रहे। जमात को ना तो ये सलाह करना चाहिए कम चिल्ला यही लगा दी चाहे जरूरत ही ना हो, और नए मकानी लोगों को ये सलाह करना चाहिए कि बस दो दिन के बाद आप आगे बढ़िए चाहे हजारों जरूरत यहाँ पर, दोनों मिलजुल करके बैठ करके देखें कहाँ कितनी जरूरत है उस जरूरत के बाहर हमें अच्छा है। पांचवी बुनियादी जिम्मेदारी माँ मस्तूरात जमात के और तकाजों के पूरा होने आलम भर में और अंदरून के एतबार से और मस्तूरात के काम को पुख्ता करने के लिए तलीमात के छह महीने में एक मरतबा जोड़ करने की फिक्र है, जिसके अंदर तीन मरतबा से रोजा वाली अशरे वाली चीजे वाली बेरूम दो महीने वाली और एक माह नुसरत में निजामुद्दीन आयु, पांच कैटेगरी के खवातीन को जोड़ा जाएगा, तीस से चालीस जोड़े ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर होंगे और महरूमों की शिरकत इसमें लाजमी है ताकि जो तकाजे हैं माँ मस्तूरात इस जोड़ के वो सारे पूरे हो सके। खाने का कोई इंतजाम नहीं और जोड़ शुरू होने से पहले मर्दों में मस्तूरात पे दोनों जगह मुस्तकिल मुंतखब अहादीस से अल्लाह के रास्ते में निकलने में आदाब और फजाइल की तालीम होगी और निकलने के बाद और ना निकलने पर सख्त तरीन वईद और उसके बाद पहली मजलिस होगी जिसके अंदर साहबियात के उरूज के वाकयात सुनाए जाए इत्मीनान के साथ, कौन सी साहबिया ने 10 साल लगाए, कौन सी साहबिया ने 7 साल लगाए और कौन सी साहबिया ने कहाँ जाकर अपनी खबर महरम के साथ बनाई, ये वाकयात इत्मीनान से सूरह फातिहा की तरह रट करके सुनाओ, इसी से सारी बहनों के उरूज का मियार बुलंद होगा, अपनी कामदारियां सुनाएंगे उससे तो सारी खवातीन के जज्बात ही खत्म हो जाएंगे। आप सुना जरा सुनता हूँ और फिर इस वक्त पूरे आलम से भी निजामुद्दीन पर तकाजे आए, किस मुल्क ने अरबी तकाजे अरबी जोड़ों का तकाजा किया, किस मुल्क ने अंग्रेजी जोड़ों का तकाजा किया, किस मुल्क ने खुले खर्च का तकाजा किया है, वो तकाजे पेश करो। तीसरे नंबर पे जो इस नकल वारकत के जरिए से जो उम्मत की बेदीनी सामने खुल कर आई है उसकी एक दो कारगुजारी जरूर सुनाए कि किस घर में कितनी बेदीनी है और कितना खवातीन जो है अबयार के तौर तरीके अकाई को अपना चुकी है, किस तरह काफी लोगों के इबादत खानों में खवातीन जा रही है, ऐसी दो चार कारगुजारी यकीनन जरूर सुनानी चाहिए। ये सारी बातें सुनाने के लिए एक डेढ़ घंटे का नहीं है, 30 से 40 मिनट का वक्त है बस, इसलिए अमानतदारी से जो ये बात पेश कर सकता हो, पूरी बहनों को भाइयों को वसूल कर सकता हो, ऐसे साथियों को बिठाना एजाजी तौर पर शख्सियतों को बिठा करके इस पहली मजलिस को जाया करने की कोई गुंजाइश यहाँ होता है। एजाज के लिए दस्तर है बिस्तर, एजाजाम के लिए पहली मजलिस पूरे जिले में एक ही आदमी कम उम्र का ज्यादा उम्र का लेकिन इसका हक अदा कर उसे दिखाओ। दावत के 99% तकाजे जाए हुए शख्सियत परस्ती के इस वजह से काम का धंधा नहीं है, अकीदतों का धंधा किसका मोहब्बत है अकीदतें। फिर उसके बाद दो महीने अंदर भी तश्कील बाहर भी तश्कील, कवायद का पर्चा लाजिमी तौर पर साथ में होना चाहिए, दो महीने का चिंदे का आश्रय का नाम लिखे खर्चा मुतयन करें तारीख मुतयन करें वसूलिया भी जमा करें, जमात बंदी जब तक मुकम्मल ना अगली बंदी शुरू करने की इजाजत,
दूसरी मजलिस में घर की तारीख, हफ्ते वाली तारीख, मसूरात का तहाजुद में निकलना, तरतीब से निकलना, उसके शराइ और सौ फीसद मकाना का क्याम करने की तरतीब, और फिर उसके साथ साथ घर के अंदर के मामूलात, नमाज है, जिक्र है, तिलावत है, खाते का अहतमाम है, ज़कात की अदायगी है, और बच्चों की दीनी परवरिश है, और इसी तरीके से हुकूक की अदायगी है, उसने अमला, उसने मुआशरा है, और दावत के काम में मर्दों की तआवुन, मर्दों का मुआवनत है, ये सारी बातें दूसरी मजलिस के आखिर में तेरोदा आशरा चिल्ला, ये तीनों बहनें होंगी तब जोड़ोगा, ऐसा कुछ नहीं। किसी कस्बे में आप देखें कि वहां पर बेशुमार खवातीन तेरोदा लगाई हुई है, आशरा चिल्ला नहीं लगा, इस वजह से जोड़ नहीं किया कई साल से। आप कह देना कि भाई इसको शहर को भेज नहीं सकते, और पता नहीं कब आशरे चिल्ले वाली तैयार होगी, तो भाई सिर्फ तेरोदा तीन नंबर लगाई हुई, 30-40-50 बहने, तो उसका मुस्तकिल आप जोड़ करेगा, आपको मुस्तकिल एक राउंड फिर देना जाने की बात, तो कहीं सिर्फ आशरे वाली उनका जोड़ करके उसका कुछ नहीं था, तो 40 होगी तभी नहीं कहना, ऐसा नहीं 15-20 भी है आप फौरन कर दो, हमारी मुनिया ने भी बताया अल्लाह के रास्ते में जा रहे, एक एक ईमान वाली नियत करके जाए, ज्यादा ज्यादा दावत इंफरादी दावत में अपना वक्त, इंफरादी दावत अल्लाह की गैबी मददों का सबसे बुनियादी सबब है, तस्कीर आदत का नुस्खा है, इंफरादी दावत ही असल मुजाहिदे का रास्ता है, इसलिए कि हजरत इंसानी असल दावत का सरमाया है, अमल का सरमाया है, इंसान से बढ़कर कोई टेक्नोलॉजी कयामत तक अल्लाह के बंदों को अल्लाह का पैगाम पहुंचाने के लिए अल्लाह ने बनाया ही नहीं, जितना कुछ है ये सब आर्टिफिशियल है, धोखा है, आंखों में धूल झोंकना है, इन हालात के जरिए से दीन पहुंचाने की कोशिश करना, ये तो ऐसे ही जैसे रेत में क्या करना, घर बनाना, कोई हैसियत नहीं। एक एक ईमान वाली अपने आप को खपा रही, 4-4 घंटे लोग मर्दों की जमात में थे उसको फूल समझते हैं, 4 घंटे दावत देनी, ज्यादा दावत में लगाना, लेकिन अभी तक काम करने वालों को जहन में नहीं है कि अल्लाह के रास्ते में मांग मसूरात निकलो, तो उसमें भी खवातीन का सबसे बड़ा उसूल और सबसे अहम चीज ज्यादा इंफरादी दावत में लगाना, इतनी दावत दे हर ईमान वाली के बाद में जाकर अपने घर में वो दावत दे सके, और दावत के जरिए अपने बच्चे, अपने घर वालों के आने वाले नस्लों की बातिल से हिफाजत कर सके, और जहां भी जावे उन्हें भी दावत दे सके, दूसरे अल्लाह के रास्ते निकलकर नमाज होती बहुत कष्ट करनी मुसलसल कारगुजार यारी है कि चिल्ले क्या बेरूनी वक्त के खवातीन का लम्बू शरीफ और 4 सूरतें और अस्थाया दुआ करो सही नहीं अंदर से कारगुजार नहीं करना, क्योंकि मर्द हजरात काफी तो कहते पर्दे में हम क्या देख सकते हैं, आपको देखने के लिए किसने कहा, लेकिन आप कोई निगरानी तो कर सकते हैं, आपके भाई आपके मामूरीन में जो मर्द है वो और मस्कुरात में सिर्फ पर्दे के अलावा कोई तरफ नहीं होना चाहिए, इतनी कड़ी निगरानी होनी चाहिए आप होती सामने खवातीन क्या कर रही है, लम्बे लम्बे की निगरानी, कड़ी निगरानी, मुस्तकिल उन्हें मशगूल रखो, आप कोई खातू ही चिल्ले में नमाज सही के बगैर ना जाए वरना पकड़ हो जाएगा, मीनू की मर्दों की सब वजू सही के बगैर, गुसल सही के बगैर, अंदर बाहर के फराइज के बगैर, वाजिबा सुन्नत मुस्तहबा और फिर मकरूहात और मुफसिदा और किन चीजों से सजा से वाजिब हो जाता है, मर्दों और औरतों की नमाज के दरमियान कितनी चीजों में फर्क है, ये सारे मसाइल के साथ नमाज की सबसे आगे चीजें आपकी कम से कम जरूरी नहीं बताइए, लम्हा वसूल करना, जल्दी से जल्द सूरत फातिहा, जल्दी से जल्द 4 सूरतें, जल्दी से जल्द अत्तहिया, जल्दी से जल्द दुआएं पढ़ो, और फिर नवाफिल कभी पढ़ा है इमाम सीखने सिखाने में बुनियादी फराइज को सीखे, सुन्नत सीखे, दुआएं सीखे, आदाब सीखे, अखलाक सीखे, दावत देना सीखे, अल्लाह के रास्ते में निकलकर खूब खिदमत का जज्बा हो, एक एक ईमान वाली अपने तमाम मामूलात के साथ पानी भर के रखे, दस्तरखान साफ कर दे, सब्जी तरकारी काट दे, अपने कपड़ों के साथ किसी महंगा कपड़ा धो दे, या जिस घर में तैयार हो उस घर की खातून बेचारी परेशान है, बूढ़ी है, माधूर है, बेचारी हमारी नुसरत में लगी पड़ी, उसके भी कपड़े धो दे, उसके घर को साफ कर दे, किचन साफ कर दे, टॉयलेट बाथरूम साफ कर दे, लगी रहे हमारी मैंने और अल्लाह माफ करना भी कारगुजारी यारी मुस्तकिल के बहने आती है हैंडी के बढ़ जाती है और बयान कर करके जाके कमरों में बैठी रहती है और बेचारी घरवाली अकेली पिसती रहती है, ना दस्तरखान उठाती है, ना प्लेटें लगाती है और ना ही सब्जी तरकारी काटती है, बिल्कुल दूर बैठी अंदर जा जाती है, पता नहीं कहाँ से कभी शुरू कर देती नहीं, कोई गुंजाइश ही नहीं हमारे हिम्मत में बोझ बनने के लिए जा रहे, नुसरत वाली बहन हिजरत वाली बहन पे बोझ ना बने, हिजरत वाली बहने नई बिना चली पड़ी काम करने वालों में आपा किसी से चल पा सारी दावत का मिजाज पूर्ण होकर गए सारे का सारे।
عقیدت پرستی اسی سے نکالنے کی ساری کوششیں, دوبارہ عقیدت پرستی اور شخصیت پرستی کام لے جا رہے ہیں. ابھی تک مردوں میں بیماری تھی, اب یہ ساری بیماریاں مسکرات میں چلا گیا. ہم صاحب آپ چلیں گے ہم چلیں گے, آپ چلیں گے ہم چلیں گے, بس یہ چل رہا ہے. خوب خدمت کا جذبہ آپ اندر دینے گئے. امام بخاری نے عنوانات قائم کر دیے, ایک عنوان قائم کیا اللہ کے راستے نکل کر خواتین نے کس طریقے سے خیموں کی حفاظت کی, کس طریقے سے اللہ کے راستے میں نکل کر مردوں کے کھانے کا انتظام کیا, کس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر ان مردوں کے جانور یعنی اونٹ کچر اور گھوڑوں کے بھی پانی کا چارے کا انتظام کیا, اور کس طرح اللہ کے راستے میں نکل کر دواؤں کا انتظام کرتی تھی, کس طرح میدان میں زخمی ہونے والوں کو زخمیوں کو اٹھا کے لایا کرتی تھی, شہید ہونے والوں کو اٹھا کے لاتی تھی اور مرہم پٹی کیا کرتی تھی, اور پھر یہاں تک کہ اگر قبر کھودنے والا نہ ہو تو مردوں کے شانے بشانہ کھڑے ہو کر کے قبریں بھی کھودا کرتی تھی. خواتین کچھ کرنے کو تیاری نہیں, اللہ کے راستے میں بوجھ بنی پڑی. بخاری شریف کی روایت ہے, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا احد کے موقع پر خواتین دو ایسی خواتین اپنے کپڑے سمیٹ کر دور سے پانی لا رہی, اپنے پیٹ میں رکھ رکھ کر کے زخمیوں کے منہ کھلے پڑے ہوئے, سخت لو بہ رہے, سخت سردی اور سخت گرمی اور خوف کا عالم, اور لوگوں کے منہ میں پانی ڈالنے پھر جا رہی ہے, گر لا رہی ہے, ڈال رہی ہے. میں نے غور سے دیکھا, میں چھوٹا تھا پردہ نہیں دیکھا, میری امی ام سلیم اور دوسری ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہاں اصول بنا رکھا مسکرا تو بیگ بھی نہیں اٹھا رہی, پتا نہیں کہاں کہاں سے اٹھا اٹھا کے لاتے ہیں, من گھڑت اصول چلا بیگ پہ ہاتھ بھی لگانے جیتے مسکرا جموں کی بیوی خود ان کی تشکیل کر رہی ہے اور اللہ کے راستے میں بھیج رہی ہے, شہید کروا رہی ہے اور ترے ترا ان کا جنازہ اٹھا کر کے لے کر آئے, اور یہاں بیگ پہ ہاتھ بھی لگانے سب کہہ ٹھیک ہے بنا رکھا اللہ کے راستے میں نکال کے. اپنی اپنی غلطی میں چلا رکھی پوری دنیا کے اندر سیرت دیکھتے ہیں ہم لوگ. دوسری بنیادی بات, خواتین کھانا پکائیں گی, اور ہماری بنیادی ذمہ داری جو ہم نے خرچہ نہیں پایا پورا ہم خرچہ کریں, ڈبل کریں ٹریبل خرچ کریں اللہ کے راستے میں جا کر, جس گھر والے جس گھر میں ہمارا تیار ہے 100% کوشش کریں ان کی ایک وقتی دعوت قبول نہ ہو, تاکہ ان کی ساری خواتین کام کرنے والی بھائیاں وہ ہماری بہنوں کے ساتھ سیکھنے میں سکھانے میں نماز میں علم کے حلقوں میں تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے, تاکہ دو دن کے اندر اس گھر کے چھوٹے بڑے سب کے سب اچھی طرح دین سیکھ لے, دعوت کا بھی دل کرا دیں. بہت اسرار ہو تو بعد دلے نہ خاصتا ایک وقت کی دعوت قبول کرو, اور آپ کو ایک وقت کی دعوت قبول کرنا پڑ رہا ہے بالکل حق سمجھتا, اب تو جماعتوں کا حال یہ کہ مردوں کی جماعت تو یہ کہتی ہے کہ بھائی جاتے کے ساتھ میں چولہے پہ جو ہے ہانڈی چڑھا دو تو کام آدھا ہو گیا, اور یہاں پر یہ کہ بھائی بیٹھے رہو انتظار جب تک اچھی طرح کنفرم نہ ہو جائے, چاروں طرف سے خبریں نہ آ جائے کہ آپ کے لیے یہاں کوئی دانا پانی پوچھنے والا نہیں, اس وقت کے جماعت کے مسکرات کے مرد حضرات اٹھ کر کے بیت المال جمع کر کے سبزی ترکاری لانے کو تیار کی بیٹھے رہے گی, بالکل مسئلہ دیکھ رہا معذورین کی جماعتیں بالکل, سائلین کی جماعت تو خراب, محتاجین کی مسکینوں کی جماعتیں ہم لوگ کس بنیاد پہ بیٹھے رہتے مزیدوں پہ, کوئی گنجائش نہیں ہماری ان چیزوں, بڑھ چڑھ کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرو, اندر بیچاری بہنوں کو سائی بنا کے رکھا ہو, سوکھا روکا کچھ دیتے نہیں ان کو اندر, نہ چائے پتی نہ دودھ اور نہ تیل نہ مرچ مسالے اور نہ سبزی ترکاری نہ میٹ مٹر, وہ بیچاری اندر بیٹھی رہے یوں دیکھتی رہے بیچارے بنا پوچھے, یا تو کچن میں گھسے گی وہ بھی بے اصولی, یا سوال کرے گی وہ بھی بے اصولی, جس کے نتیجے میں مسکرات کی جماعت ہو گئی, دو بڑی مہا بے اصولی چلی, دل کا سوال زبان کا سوال خوب کہنا دیکھ لو, وہ کیا کہتے ہیں مسکرات ہیں پہلی مرتبہ نکلی, یہ بار بار نکالنا ہے زندگی بھر لے کے چلنا ہے, اس لیے ان کی خوب خاطر ہونی چاہیے, خاطر اپنی جیب سے کرو دوسروں کے ماں سے کیوں کروا رہے ہیں, زیادہ خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہیے, کہیں چلے گئے مشورہ پورا ہوا ذمہ دار نے آپ کو سائڈ میں بولا گیا سر سائڈ میں آئیے, کیا بات ہے پرچی نکالے گی چھ ٹائم کا پیکج کھانا, یہ سلسلہ چل رہا ہے نئی بدا چلا رہتی ہے, اس میں جبرن زبردستی کھانے ہوتے بےچارا ساتھی اپنے گھر میں اس کے چولہے جلانے کی وسعت نہیں قوت نہیں, اور اس کی بھی دعوت ہے ذمہ دار ادھر زبردستی قبول کروا, دیکھ لو اچھی طریقے حدیث میں آتا ہے کہ کسی بھی مومن کا مال تم اس کے جو ہے خوش دلی کے بغیر نہیں لے سکتے, اور یہاں جبرن جو ہے دعوت طے کر کے اور اس طرح پیش کرتے, اور یہ ہمارے اللہ کے بندے اللہ کے راستے میں جانے والے یوں کہہ کر اس کو قبول کرتے, ہم نے تو انصار مدینہ کے قصے سنے تھے ماشاء اللہ آنکھوں سے دیکھ لیا, اتنی نصرت ہو رہی ہے زبردستی کھانے پلا دیا جائے زبردستی,
राजनीतिक ब्रोकर बना पड़ा, उससे पूछो सबसे पहले इसने आपकी कोई दावत है तो हम आपसे बातचीत करें, आप कितना वक्त करें, आप करिए, आप साइड हट जाओ, आपको वकालत करने की कोई जरूरत नहीं, जिसे दावत नहीं बनाया जा सकेगा उसे दे दो। खूब पकाओ, खूब खिलाओ, अच्छी तरीके से दावत हो तभी पकाइए आप। होता सारा काम एक रूप पे चले, हमारी बुनियादी जिम्मेदारी अल्लाह के रास्ते में निकलकर सुबह से लेकर शाम तक के मामूलात में एक अपनी खवातीन से 10 बजे फजर से लेकर 10 बजे के अंदर कोई आपस में वक्त, आपस में मुनासिब वक्त तय करके अपनी खवातीन से मुजाकिरा करें। तभी औकात गुजारी जिसके अंदर इज्तिमाई आमाल बताए, इंफरादी आमाल बताए, उसकी अहमियत बताए, और फिर कभी खिदमत के लेन की बात है, कभी इज्तिमाईत की बात है, कभी इताअत की चीज है, और कभी पर्दे वाली जिंदगी, कौन महरम कौन ना महरम इतनी बताया करें इमाम के साथ फजर के मुजाकिरे, सादगी वाली जिंदगी घर के अमल क्या क्या है, और फिर दूसरा बुनियादी अमल सुबह की तालीम जिसके अंदर बुनियादी तीन अमल है, कुरान का हल्का है, किताबी तालीम है, और फिर छह सिफात का मुजाकिरा, तीन अमल तीन रैंक के जिम्मे तय हो। कुरान का हल्का तस्हीह का हल्का है, एक एक लफ्ज को लेकर सही करें, 10-10 सूरतें रोजाना पढ़ने की, एक एक सूरत पढ़ने की इजाजत नहीं, एक आयत एक हरफ जब तक सही ना हो अगला सबक ना हो खवातीन। अभी पिछले महीने एक जमात ने कारगुजारी सुनाई, फिर अगले भर में सारे भाई सारे बहनों ने मेहनत करके अलहमद सली पूरे महारत के साथ बिल्कुल सही करके आए, माशाल्लाह सस्ता बिल्कुल माशाल्लाह कामयाब तरीन जमात, सस्ता सौदा करें जिंदे में अलहमद सली याद हो और महारत भी सही हो जाए, रोजाना 10 सूरतें सही करने का जज्बा ही इतना कला में पाक याद और सही हो जाए जिससे अपनी नमाज की भाई की और बहन की सही हो जाए और अपने घर में हल्का ले सके और अपने मोहल्ले में कोई मसूरात की मंजर बस्ती से इलाके से काम जमात आ जाए, उन बहनों का कुरान सही करा सके और कभी ये जोड़ा तले तना कभी चहरोजा आचरी की जमात में चले जाए तो उन बहनों की सही तरबियत और उनको कुरान सही सिखला सके, इस दर्जे में कुरान सही कर सकते, इस दर्जे में 6 नंबर भी सही कर सकते, उनका हक रोशनी में 6 नंबर ताकि अपने घर में 6 नंबर ले सके और आपके वाली तारीख में 6 नंबर का मुजाकरा तय हो जाए तो कर सके और तने तना अगर 4 जोड़ों को लेकर जमात में जाए तो उन्हें 6 नंबर सिखला सके, इस दर्जे में पूरी मश्क करा के लाना अपने खवातीन। यहाँ पूछते आप ही आपकी घरवाली ने 6 नंबर सीख लिया, आपने नमाजें सीख ली और क्या क्या सीखा, सीख लिया होगा देख लो आप रोजाना कारगुजारी नहीं बोलते, सीख लिया होगा एक भी पक्की अंदर की दिल की गहराई से पक्की कारगुजारी नहीं सुना, साफ मतलब सारे मतों ने इन सारे मामला में बिल्कुल गलत का मामला किया, अपनी खवातीन की बिल्कुल फिक्र नहीं करी लोगों, पक्की कारगुजारी चाहिए, जितने सारे अमाल बता के भेजे गए आप बताओ कि कितने अमाल पे आपने पाबंद किया खवातीन को, जो फिर की तालीम इस्तेमाल किताबी तालीम और फिर मर्दों का बयान और उसके बाद 5 जोड़े 5 हल्का 6 महीने तो 6 हल्का और घर में अमान समझावे, अल्लाह के रास्ते में निकलने की पूरी तरगीब दे, नए मकाना खोलने की खवातीन को तरगीब, असर के बाद कोई इज्तिमाई आमल नहीं, कोई बजाय जिक्र का सिलसिला हमारे यहाँ नहीं, एक खातून का तय हो गया बजाय जिक्र करेंगे हमारे कोई सिलसिला, फिर क्या मशोरे की कामी भी लिखेंगे कि असर नमाज अव्वल वक्त में पढ़ के खवातीन अपने मामला में लग गया, तस्बीह है तिलावत है और उसके अलावा वक्त बच गया और बहुत सारी बहन आई भी है तो इंफरादी दावत भी है सीखना सिखाना, और मगरिब के बाद अगर हमारी बहनें पहले से हम सारे मर्दों को मालूम होना चाहिए हमारी बहनें कितनी मजबूत कमजोर है, अगर हमारी बहनें दुआओं में और तस्बीहात और अलहमद शरीफ में अहतियात में दुआ कुलूत में नमाज के ढांचों में कमजोर है और बुनियादी फराइज में कमजोर है तो मगरिब के बाद इधर उधर के मुजाकिरे की जिम्मेदारी नहीं देनी बल्कि उनको बतराना आज अलहमद शरीफ से आज जो है तैयार सही करो आज दुआ कुलूत सही करो आज नमाज का ढांचा करो, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर मगरिब बाद लगातार उनको मौका दो ताकि 1 से 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर हमारी नमाजों का ढांचा अंदर बाहर बिल्कुल सही हो जाए। अब लंबे लंबे मुजाकिरे सीखकर खा रहे हैं हमारी खवातीन, अब तो अल्लाह माफ करना मुजाकिरे से आगे बढ़कर खवातीन को इतना अपने चेहरे पर मुजाकिरे से इत्मीनान कि आपको कोई बहन पूछे तो किताब लिख के देने को नहीं आओ, शौक चल गए खवातीन को मुजाकिरा भी करना है और दिक्कत भी नहीं, तो मेरे 6 नंबर इस पर इस अंदाज से 5-6 नंबर तो बहुत अच्छा लगे, कोई गुंजाइश नहीं मुझे लिख के देना, बेशुमार जगह जिसकी शिकायत आ रही बोला मैंने ये किताब दे दी बोला मैंने हमारे हम तो पूरी उम्मत को किताबों से निकालना चाह रहे आप दोबारा ले जाकर उम्मत को किताबों में ढके, सीधा साधा दीन है हमारा सीधा साधा तरीका है मसरूफ तरीका, नहीं आता दोबारा हम जबान से बताएंगे सीख लो, नहीं आता दोबारा बताएंगे सीख लो, नहीं आता दोबारा बताएंगे सीख लो, तो मगरिब के बाद हमारी खवातीन सीखने सिखाने में और कभी कभार फजर का बड़ा अहम मुजाकिरा था तो उसे दोहर आने की एक बेहतरीन जिम्मेदारी देगी, ईशा के बाद कोई इज्तिमाई अमल जिस घर में तैयार होकर के अंदर
पांच अमल की तालीम जिंदा करने की अमली मशी है कि सुबह की तालीम और घर की खवातीन को बच्चों को बिठा लो और बता दो देखो ये है किताबी तालीम, ये है कुरान मालूम, ये है छह सिफात और उसके बाद तस्कीन और उसके साथ आपको तीन अमलों का कल मशवरा करें। अगले दिन अमली तौर से सिखलाने का बेहतरीन मौका सुबह की तालीम को बिठा लो, खवातीन को नई नई बातें चलाने की कोई इजाजत गुंजाइश नहीं, अपने मर्दों की पाबंद रहकर जितना जैसे बताया जाए यहाँ से उसी के मर्द पाबंद और उसी के खवातीन पाबंद। बंदे इलाका आपको मिल गए ऐसे मकाना देखे जहाँ पर घरों में मूर्तियाँ या खवातीन जो है अभियान के तौर तरीके पर और बातिन की जो इबादत खानों पे जा रही है ऐसे इलाके अगर आपको मिल जाए तो रोए रोए अल्लाह से मांगे और फौरन उन इलाकों की कारोबारी निजाम लिखे और आला दर्जा अपनी ही मौजूदगी में जमात फौरन बुलाए ताकि आपकी वापसी पर वहाँ काम आगे बढ़ता रहे। ऐसे बंदे इलाके तलाश करके आपको बिल्कुल नोट करके हमें देना आपकी जिम्मेदारी, आप हमारे डेलीगेशन है, आप हमारे नुमाइंदे बनकर के जाए दिमाग से पूछा करें कहाँ कहाँ ऐसे ऐसे गाँव देहात पट्टी हैं वहां जाने की खुद कोशिश करें, वहां के शहरों दाशरे की जमात से डरवाने की कोशिश करें और निजामुद्दीन रब्ता करके खत के जरिए फौरन यहाँ से चिल्ले की जमात बुलवा, यानी कि आप गए बिस्मिल्लाह हुई वापिस आए और सुभान अल्लाह भी हम बंदे जिला को गए। ये आया हर जमात की जिम्मेदारी ये देखे कि हमने कितने बहनों को खलीमा सही कराया, कितनों बहनों को मुदू वसल सही कराया, कितनों बहनों को नमाज सही करवाया, कितने घरों में पांच अमान वाली तालीम मिल जाए, कितनी बहनें पर्दे पे आई, बिल्कुल राउंड फिगर आने चाहिए। एक जमात ने काम किया बताया 1200 बहनों से मुलाकात हुई, एक जमात ने बताया 70 बहनों का खलीमा सही कराया, एक बहन जमात ने 50 बहनों का पर्दा सही हो गया, पर्दे पे आ गई 50 बहनों और लायानी की पोटली और लायानी की और जहर की डिबिया जहर की पुड़िया किसी को ले जाने की कतई इजाजत नहीं है। एक जमात एक जोड़ी है एक फर्द को भी ये जहर की डिबिया जहर की पुड़िया ले जाने की कोई गुंजाइश नहीं। 100% इससे तौबा करके और इस जहर की डिबिया जहर की पुड़िया को यही सब देखकर दफन करके जाओ आप, वरना वो हमारी जमात ही नहीं शुमार होगी जो यहाँ से इन सारे मोबाइल और आलात को लेकर के जा रहे, वो हमारी जमात शुमार नहीं होगी। आपके सारे अमल को एक तरफ छोड़ देंगे, आप इसी अमल को हुज्जत बना लेंगे वहां वाले तो निजामुद्दीन से आए तो अगर उसकी गुंजाइश ना होती तो निजामुद्दीन की जमात की मोबाइल कैसे नहीं कर गया। मुस्तकबिल की कारगुजारी मिलती कि हमारे इलाके में मोबाइल जमातों में लेकर चलने का रिवाज उस जमात से पड़ा था निजामुद्दीन से आई थी और उन सबके पास या एक जोड़े के पास मोबाइल था तो समझा कि उसूल है जो भी आप करो वो उसूल बनता है। तो यहाँ जितनी बातें बताएंगे आप ये भी सोच रहे होंगे कि अपने इलाके में कैसे चलाएं या आप जमात में जा रहे कैसे चलाएं, ये चलाने के लिए बतलाने के लिए अमल करने के लिए इसमें खयानत करने की कोशिश ना करें। आप खयानत क्या है इसको फिल्टर करना, ये सोचकर कि हम वहां जा रहे हैं वहां हालात देखेंगे और देख करके हम वहां वालों को डोज देंगे, अगर बहुत ज्यादा जरूरत है तो ठीक है वरना फिर 500 mg को हम 100 mg करके देंगे। अगर ऐसा फिल्टर किया तो अल्लाह की भी फिल्टर मशीन लगी हुई वो भी अल्लाह भी फिल्टर कर दे। अल्लाह को ऐसे लोग पसंद ही नहीं जो कुरान हदीस के मुताबिक बताए हुए तरीकों और कुरान हदीस के मुताबिक चलने वाले सुन्नती काम को छांटे फिल्टर करे, अल्लाह को ऐसे लोग पसंद ही नहीं है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को हटा के उन्हीं लोगों को लाएंगे जो सरासर सीरत के मुताबिक आपको उम्मत के सामने पेश करें। इस काम में तरक्की इस काम में साबित कदम इस्तेकामत और मौत तक बरकरार रहने का वाहिद रास्ता सुन्नत के मुताबिक जैसे यहाँ से बताया जा रहा उस पर खुद ही अपने आप को लाना और पूरी उम्मत तक सुन्नत के मुताबिक इस काम को पहुंचाना की जिम्मेदारी करेंगे ना इंशाल्लाह। आप यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं चाहे पहले साल में दूसरे साल में चाहे